हाय गाइस, मॉम एंड डॉटर व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं। 5 बजने को और हमारे यहाँ पे पूजा स्टार्ट होगी, जो मम्मा हमेशा हर साल करती है वो है लक्ष्मी पूजा। तो उसके लिए हम सब रेडी हो रहे हैं और मम्मा सामने रूम पे दिए सजाने की तैयारी कर रही है। तो चले चल के देखते हैं कि मम्मी ने दिए कैसे सजा रहे हैं। ओके, तो गाइज मम्मा यहाँ सामने रूम पे बैठी है, दिए सजा रही है। जो हमने मीशो से खास कर ऑर्डर किया था वो भी बहुत सारे तरह कलरफुल पे, और जब हम इन्हें जलाएंगे तो ये शैडो के जैसे नीचे पे परछाई लगेगा तो और भी सुंदर लगेगा। तो मम्मा इसमें बाती भर रही है और इसके बाद हम इसमें तेल डालकर हम इसे जलाएंगे शाम को। मम्मा अभी रेडी होगी थोड़ी देर के बाद, हम सब अभी रेडी होंगे। मैं आधी रेडी हो चुकी हूँ, तो मम्मा थोड़ी देर में रेडी होगी। इसके बाद पूजा होगी हमारे घर पे, लक्ष्मी पूजा, और बस उसी की तैयारी चल रही है। देखिए हमने सारा सामान भगवान की सब रेडी करके रखी है और ऊपर में भी हमने लाइटिंग वगैरह लगाई है। अभी हम ये दोनों सोफा को हटाकर वहां पे पूजा करेंगे। तो अभी मुहूर्त के हिसाब से हम पूजा करेंगे ना मम्मा? मुहूर्त 7 बजे, तो मुहूर्त 7 बजे और हम मुहूर्त के हिसाब से पूजा करेंगे। रुकिए मैं आपको एक दिए दिखाती हूँ। ये देखिए हरा में एकदम फूल का कलर, हमें इतना मम्मा इतना होना चाहिए बस बारिश ना आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बहुत बारिश है, सुबह से बारिश हो रहा है, कल से। हमने धनतेरस की शॉपिंग भी ठीक से नहीं की ना मम्मा, और अब भी हवाएं चल रही है, इतनी बूंद बूंद बारिश गिर रही है। हमारा दिया भी जलेगा कि नहीं पता नहीं। तो गाइज हम रेडी होके हम आपको मिलते हैं फिर से, उसके बाद हम आपको बताएंगे जब हम लक्ष्मी पूजा करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं मम्मा यहाँ पे दिए रख रही है जिन पे उन्होंने सारी बातियाँ डाल दी चुकी है। अब यहाँ पे वो रखते जाएंगी। मम्मा सब हो जाएगा क्या? और डालना है वहाँ तक, लास्ट तक जाएगी वो जो पेड़ रखा है वहाँ पे। तो मम्मा अभी सारे ये टाइल्स पर रख कर वहाँ तक जाएंगी वो लास्ट तक। बस अभी तो हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी, बस ये दिए ना बुझे अभी इस हवा की वजह से। और हमारे यहाँ तो कल रात से पटाखे जलाना शुरू हो चुका है। मम्मा ने यहाँ का स्पेस सब खाली कर दिया, हम लोगों ने सब खाली कर दिया यहाँ का स्पेस। अब यहाँ पे ही पूजा होगी हमारी। तो गाइस मम्मा यहाँ पे पूजा स्थापना करने के लिए शुरू हो चुकी है। तो मम्मा हम लोगों ने मूर्ति ली थी धनतेरस के दिन पे, नई नई मूर्ति सरस्वती लक्ष्मी गणेश जी की। तो उन सबको मम्मा यहाँ पे नया पीड़ा बनवाया था हम लोगों ने। तो मम्मा यहाँ पूजा करेगी भगवान ना, वो हम लोगों ने नया लिया था जब हम धनतेरस की शॉपिंग पे गए थे। तो दोनों भगवानों के लिए हमने दोनों एक जैसे ही लिए थे, बस सरस्वती माँ थोड़ी छोटी हो गई ना तो उसको ये वाला नहीं हो पाएगा करके मम्मा उन्हें छोटी वाली चुनरी डालेंगी। तो देखिए इतना प्यारा लग रहा है दोनों। तो मम्मा इस जो सरस्वती माँ पर छोटी वाली चुनरी डालेगी जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। हम ये सब सारे नए लिए थे धनतेरस के शॉपिंग के दिन में। तो अब सारे भगवानों को सजाना मम्मा शुरू कर चुकी है। अब एक एक करके सब कुछ तैयारी करेंगी, जैसे कि नारियल पे ये मम्मा धागा बांध रही है, शुभ होता है कहते हैं। वैसे मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, मम्मा को इतनी जानकारी है, तो मैं बस मम्मा की हेल्प कर रही थी। मम्मा को अगर जो कुछ भी चाहिए होगा तो मैं वो सब मम्मा को ला कर दे रही थी। तो मम्मा ये लोटा पे पानी भर कर उसके ऊपर आम के पत्ते रख कर और वगैरह जो टिकली वकली लगाना है वो सब मम्मा लगा देगी। तो इस बार हम लोगों ने ना धान भी लिया है। इस बार कहते हैं कि दिवाली पे धान का पूजा भी करते हैं क्योंकि वो अन्य के समान माना जाता है ना, तो इसलिए। तो मम्मी भगवान पे अभी माला चढ़ा रही है जो कि पूरा कंप्लीट हो गया भगवान का श्रृंगार। अब मम्मा यहाँ पे लोटे में जो पानी भर के नारियल रख रही थी उनको अब ठीक करेंगी, उन पर भी एक चुनरी लगाएंगी। ये ना ये जो इस पे जो हमने आम के जो पत्ते डाले हैं वो मैं लेकर आई थी। जैसे कि मैं ना बाज़ार गई थी तो आते वक्त जब मैं ऑटो पे थी ना तब मुझे आम का पेड़ दिखाई दिया, तो मैं उसी वक्त ऑटो से उतर कर उस पेड़ से डालियाँ तोड़ के ला दी मम्मा के लिए। तो मम्मा ने पूछा कहाँ से लाया, तो मैंने बोला मैं ऑटो रुका कर ना एक पेड़ के सामने रुक गई थी, उस वहाँ से मैंने आम के पत्ते तोड़ दिए। तो सारी सजावट पूरी हो चुकी है, मम्मा ने सभी श्रृंगार का सामान भगवान के सामने रख दिया है। अब बस इनको फूल लगाना बाकी है
जो कि हमने बहुत सारे ख़रीदे हैं। मम्मा अपने सिर पे भी लगाने के लिए ख़रीदी है, और यहाँ पे सामान के जो फूल है वो हमने पीले पे ख़रीदे थे तो, और बड़े बड़े गेंदे हैं वो सब। देखिए मैं अभी तक रेडी भी नहीं हो चुकी हूँ, मैं बस आधा मेकअप करके घूम रही थी ताकि मम्मा को कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मैं कर सकूँ। तो अब सारी तैयारी हो चुकी है, बस अभी थोड़ी देर पे मम्मा भी रेडी होगी, उसके बाद पूजा का जो मुहूर्त दिया है वो शुरू होगा, उसके बाद मम्मा पूजा करेंगी। तो अब ये बस थोड़ा से ही फूल बाकी है, उसके बाद पूरा हमारा मंदिर सज गया, भगवान भी सज गए। पूजा हो चुकी है, मम्मा यहाँ पे तुलसी की पेड़ है उसको पूजा कर रही है। इसके बाद हमारा पूरा लक्ष्मी पूजा ख़त्म हो चुका है मुहूर्त के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, शाम को जब मैंने कहा था मम्मी दिए पे बाती लगा रही थी ना, तो ये रहा दिया हमारा जो कि इतना सुंदर है। एक्चुअली ना लाइट की उसकी वजह से शैडो मालूम नहीं हो रही है। मैंने पूजा कर ली और यहाँ मम्मा खिचड़ी बना रही है, और जो कि प्रसाद है ना मम्मा, तो भगवान को भोग लगाएगी मम्मा, तो खिचड़ी बन रहा है यहाँ पे, बड़ा टेस्टी खिचड़ी बन रहा है। वैसे मम्मी की खिचड़ी हमेशा टेस्टी रहती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है ना मम्मा। बस हमें तो कब खाने को मिलेगा हम ये सोच रहे हैं। वैसे पूजा तो हो गई गाइस, बहुत ही अच्छे से हो गया। कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी पर अभी आ गई थी, तो हमने पूजा फटाफट कर लिया मुहूर्त के हिसाब से। गाइस मम्मा ने गुलाब जामुन और खीर बनाई है, ये देखो गुलाब जामुन और खीर बनाई है मम्मा ने, इतना टेस्टी होने वाला है। अब तो भगवान को चुनने के बाद तो हम खाएंगे बड़े तेज में।
तो यहाँ पे मम्मा सबको मिठाई देने के लिए पैकिंग कर रही है, सबको मिठाई देगी मम्मा प्रसाद। अब ये जाएगा हमारे ऊपर वाले अंकल को, मैं उसे देने जाऊंगी। गुलाब जामुन, खीर, बेसन का लड्डू, ये क्या, पेड़ा, और ये वाला भगवान को चढ़ता वाला जो एक होता है ना वो, और ये वाला मुझे बहुत पसंद है मम्मा। बस हो गया, अब मेरा काम है सब जगह प्रसाद देके आना। हमने जो बच्ची को दिवाली का जो गिफ्ट दिया था वो बच्ची यहाँ पे है, जो कि मम्मा उसका कमर ठीक कर रही है। एक्चुअली बहुत ढीला पहन के आई थी कि बहुत टाइट पहनी थी बेचारी, इधर सक्षी, इधर इधर कितनी प्यारी लगती है देखो, इतना सुंदर दिखती, सुंदर दिखती सक्षी। दीदी मेहंदी लगा के देखना, मेहंदी भी काला हुआ देखो, इतना सुंदर दिखती। मेरा सबसे काला है, दिखाओ मम्मी का मेहंदी दिखाओ। मम्मी जब भी मेहंदी लगाती ना हर बार काला होता, पहले ही बर्तन कपड़ा धो दो वो लगाने के बाद में। सुबह ना 12:30 बजे रात को लगाई, 5:30। तो ये आई है रिया की दोस्त, छोटी की दोस्त, छोटी तो यहाँ है, कहाँ गई ये देखो। काठी काठी काफी नहीं देगी, आ जाओ बैठो, धीरे खाती। हाय, सो आज दिवाली बस इतना ही बना हमारा, हमने इतनी सारी मौज मस्ती की, मौज मस्ती तो करने मिली नहीं, मैं गई थी सब जगह प्रसाद देने के लिए। मेरा काम यही होता है, पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद देना होता है ना मम्मा, हम तो डिलीवरी वाली है ना, कोई जाएगा नहीं घर से प्रसाद देने के लिए, मेरा ही काम होता है प्रसाद देना। तो मम्मा बड़ी प्यारी लगती है, वाह मम्मा यहाँ पे देखो, मम्मा एक्चुअली बहुत थक गई है, बहुत ज्यादा काम करके इतना थक गई, खराब है ना, कुछ मिठाई इस साल घर में नहीं बने, नहीं तो हम एक मिठाई भी बाहर से नहीं खरीदती। बेचारी मम्मा का कमर में इतना अभी भी दर्द है, बनाती इस साल मेरा ऐसा हालत खराब है ना, हम ही जानती, ना उठ सकती, ना बैठ सकती, ना काम कर सकती, कमर इतना दर्द है, अभी दर्द है ना वो घर सफाई, हमने बहुत मुश्किल से काम करे, बहुत ज्यादा मुश्किल से शॉपिंग करे, हम ही जानता, बाजार में शॉपिंग के लिए गया, जितना दुकान में गया उतना दुकान में, भैया बेचारी मेरी मम्मा मांग मांग के बैठती थी, मालूम क्या करी, हम नहीं खड़ा हो पाती, मेरी इतना हालत खराब। तो ये और एक प्रसाद देना बाकी है, जो कि ये बच्ची का, हम लोग का क्यूटी, इसका घर जाना है मुझे, इसका घर जाना है मुझे ये प्रसाद देने के लिए, बस उसके बाद फिर मैं फ्री हूँ ना मम्मा। हाय गाइस, तो आज हमारे घर पे दिवाली की खाने पीना है, तो मेरे दोस्त आ रहे हैं आज मेरे घर, तो मैंने वही सेम ड्रेस पहनी है जो मैंने दिवाली पे पहनी हुई थी, तो अब मैं अपने दोस्तों का वेट कर रही हूँ कि वो अब आएंगे, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी उन लोगों का, तो जब अब आएंगे फिर उसके बाद मैं उनके साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे दोस्त कौन कौन आ रहे हैं। ओके हे गाइस, अभी हम लोग रास्ते में हैं, प्रिया के घर पहुँचने ही वाले हैं, तो वहाँ जाकर मिलते हैं। Here's my friend, आ चुके हैं बेचारे, बहुत मुश्किल से आए, ये इसका वजह से इतना लेट हो गया बेचारा, इसका वजह से, इसको रेडी होने के लिए इतना लेट, फॉरगॉट से तुम इतना क्यों लेट हुई? क्योंकि ना मैं वॉशरूम में थी, सपने देख रही थी शादी करने के, BTS आर्मी तो पक्का हो गया, जो सपने देखी है बीच शादी के लिए क्या? These two are my Anmol Ratans, Anmol ना, सो गाइस अब हम थोड़ी मस्तियाँ करेंगे, आपसे भी शेयर करेंगे। ओके बिरयानी सबके लिए, तो खा लिए, खा के देखे कैसा बना, ये तो पहले खाते साथ वाओ ब्रो, और सुपर बना है ना, और मम्मा किसने बनाया, मम्मा ने बनाया, और क्या अमेजिंग, बहुत अच्छा है ना, ये देखो मेरा थाली भी रेडी है, वाह देखने में तो बड़ा प्यारा लगता है यार, तो पेट में जाएगा ऐसा लग रहा है, खाना खा लिया, कैसा लगा बिरयानी आज? बहुत ही अमेजिंग, बहुत टेस्टी था सच में,
दुर्गा पूजा दिवाली का बाद तो मेरे को खाने मिला। सोचो मेरा हालत क्या था, बिना चिकन का सहारा गुजारा। ओ माय गॉड, बस पता नहीं तुम लोग नेक्स्ट कब आएंगे। मेरा बर्थडे आने वाला है, तेरे शादी में आएंगे। ये इसका बदन से बहुत ज्यादा जोर का लगता है, बहुत जोर जोर मारती ना। मेरे प्यारो लाडो जा रही है, जो तीसरी वाली थी वो तो चले गई, उसको बहुत जल्दी था जाने का, तो ये अभी जा रही है, मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही हूँ। तो दिवाली की व्लॉग मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय करो ना।